वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये टाइम क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड अभी तो शाम का टाइम हो गया, मे बी 4 बज रहा होगा। एंड आज पूरे दिन में मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड थोड़ी स्टार्टिंग तो आपने देख लिया होगा, और आपको पता है जैसे कि मैं मायके में 1 बजे नहाती हूँ, तो आज भी मैंने आज 1 या 1.5 बज गया था नहाने में। और ये मेरा आउटफिट था जो कि आपने देखा होगा, फुल लुक इसका मैंने दिखाया था, थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट की थी। एंड मायके आई हूँ तो दिन भर कुछ ना कुछ खाना तो बनता है, और अभी मेरे लिए आया है ब्रेड पकौड़ा, और यहाँ का ब्रेड पकौड़ा बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होता है। लो जाइए, आपको दिखाती हूँ। मेरी बहन गई है एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम के साथ उसका वो भी है, एग्जाम के साथ मुंडेश्वरी भी गई हुई है। और एंड ये है मेरे बिहार का ब्रेड पकौड़ा, जो कि मुझे आजमगढ़ में आज तक खाने को नहीं मिला। एंड मेरे बिहार का ब्रेड पकौड़ा तो ओ माय गॉड, इतना यम्मी होता है यार, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा से दिखा रही हूँ ना, खाते हुए दिखा रही हूँ जरूर, खाते हुए इसलिए मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे खाने का मन करेगा वहाँ पे तो मैं इस वीडियो को देख लूँगी। Hey guys, so ये था तो स्टार्टिंग मेरा ब्लॉग। उसके बाद हम जाने वाले हैं वाराणसी। सो वाराणसी जाने के लिए यही मैं इस वीडियो को ये एंड करती हूँ यहाँ पे, और स्टार्ट होगा अब कल का ब्लॉग, जो कि हमने थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लिया है, क्योंकि जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि हम कैमरा उठा के वो फ़ोटो भी ले लें एंड वीडियो भी कैप्चर कर लें। ये बहुत पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि हमें शॉपिंग करने जाना होता है, और शॉपिंग के बीच कोई कैमरा उठा ले, ओ माय गॉड। एंड वेडिंग शॉपिंग तो आप लोग को पता है, वैसे ब्राइडल के लिए शॉपिंग होने जा रहा था, और यहाँ हमने गाड़ी जो मंगाई थी बस वो आ गया था, उसके बाद हम चल दिए हैं। और ये हम पहुँच गए वाराणसी, और इसकी गलियों में पहुँचते ही आप लोग तो देख सकते हो क्या फील होता है और क्या मजे आते हैं। तो ये जो ई रिक्शा जो होता है ना, जो एक आदमी चलाता है, इस पर हम लोग बैठे थे, तो 3 जन बैठे थे हम लोग, और हम लोग पूरे लोग थे 6 5 थे, एक ड्राइवर थे, एक भैया था, और एक मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर थी और एक मैं। सो ये हम लोग जा रहे थे शॉप पे, सो हमें इसका ज़रूरत पड़ गया, और हमें जाना है संतुष्टि या फिर स्वयंवर, तो संतुष्टि ही जाएंगे हम लोग। वहाँ से पहले कुछ साड़ियाँ वगैरह लेना है, उसके बाद हम लोग को भी कहीं और जाना है, छोटे पार्सल के जो सामान होते हैं वो लेना है, शादी के सारे सामान लेने हैं, और कल है हल्दी। एंड जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस समय मेरा एक गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मैं बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ, हल्दी दूध वगैरह सब पी रही हूँ कि कैसे भी हो जाए, क्योंकि शादी अभी ख़त्म हो चुका है। एंड शरीर में हरासमेंट होने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा डांस करना ये सब होता है ना, करने से इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। और शायद हर बार ही जब मैं शादी कोई भी फंक्शन अटेंड करके 4-5 दिन के बाद मेरी ये हालत होती है, एंड ये ज़रूर होता है मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद से नहीं लड़ पाती हूँ और बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाता है मुझे। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ शॉप पे, जो कि यहाँ से हमें साड़ियाँ नहीं लेना था, बस ऐसे ही ओपन था तो हम लोग आ गए थे पेटीकोट के लिए, और ये बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगा वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। एंड मेरी बहन तो बस पिक्चर क्लिक कर ही जा रही थी। एंड यहाँ मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपना फुल लुक, सो कैसी लग रही हूँ मैं। एंड जींस टॉप में तो आप लोग बहुत दिनों के बाद देख रहे हो, शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम जींस टॉप पहन रही हूँ अपने मायके आकर, और ये है कुछ वाराणसी का माहौल। वैसे तो जो सिटी जो गांवों के होंगे वो सारे लोग तो आए रहे होंगे, किसी भी छोटी भी शॉपिंग के लिए हम लोग वाराणसी ही आते हैं,
और जो लोग दूर के होंगे वो सब देख सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई वगैरह के लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये पता है, जैसे हम लोग के लिए ड्रीम है कि ड्रीम नहीं है वो, तो बहुत टाइम लगता है मुंबई जाना दिल्ली जाना, उसी तरह उन लोग को भी वाराणसी आना वगैरह बहुत हार्ड होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है माइंड में, अपने आप को टाइम देना पड़ता है कि यार हमें यहाँ जाना है इस चीज़ के लिए। सो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं एंड देखते हैं साथ में कि क्या क्या हम करते हैं आज के दिन। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा जाने वाला है, लाइक 8 मिनट 10 मिनट ऐसे ही कुछ। सो कुछ साड़ियाँ हमने कलेक्ट कर लिया है एंड वो हमें पसंद आ गया है, सो उसको तो हमने साइड में करके अभी यहाँ से वहाँ पे बिल हो रहा है, सो उसकी तैयारी बहुत लंबे टाइम से होती है और हमने शॉपिंग संतुष्टि से किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ जा रहे हैं नई बाज़ार, आपने सुना होगा, सॉरी नई बाज़ार नहीं, दाल मंडी ऐसी, हाँ दाल मंडी हम जा रहे थे। और हमने यहाँ भी ई रिक्शा लिया था और ये वाला ई रिक्शा इतना हार्ड था ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कम था और हम लोग थे 3 जन और हम तीनों को बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं तो बार बार बीच में से गिर जा रही थी नीचे। और यहाँ से गुदौलिया से दाल मंडी बहुत दूर था, फिर भी 10 मिनट का रास्ता तो था ही, और इतना पेन होने लगा हमारा पैर हाथ पूरा, और उसी में मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो कैप्चर कर रही थी क्योंकि हमें पता है कि ये मोमेंट दोबारा नहीं मिलेगा हम लोग को देखने को। उसमें मेरी सिस्टर बोल रही थी यार तुम कैसी हो, इसके बीच भी वीडियो बना रही हो, छोटी बोल रही थी मेरी, मैं बोली कुछ भी हो जाए बनाऊँगी तो ज़रूर यार। और सभी लोग हम लोग को ही देख रहे थे कि ये मतलब कैसे बैठी हुई है, और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। और जो ये क्या बोल सकते हैं, जो ये अंकल खींच रहे थे उनको भी देख के थोड़ी सी तरस सी आ रही थी कि यार हम तीनों लोग बैठे हैं और ये अकेले सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग गए थे दाल मंडी और वहाँ से कुछ शॉपिंग किया, उसके बाद हम चल दिए घर। और ये है गंगा जी जो कि बनारस जाते समय पड़ते हैं बीच में, और इनको प्रणाम करिए और चलते हैं घर। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि हम सुबह आए थे 8-9 बजे घर से निकले हैं और घर पर पहुँचे थे हम लोग रात 8 बजे, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग बैठे बैठे, हमारे पैरों में पेन हो गया था इतना तेज। और यहाँ हम चलते हैं घर। आई होप आप सबको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, एंड अभी मैं बस शादी की ब्लॉग डालने ही वाली हूँ, हल्दी मेहंदी एंड शादी का, उसके बाद फिर से देखते हैं क्या होता है। आई होप आप सबको पसंद आया हो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।